Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya has said, and I quote, that the culprit of the incident that happened in Sambal is the Samajwadi Party. Samajwadi Party has suffered a huge defeat in the by-elections. Sending a delegation is a drama. It is the politics of the vote bank, and the Samajwadi Party is getting wiped out. Their vote bank has slipped away. Listen in. उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वह समाजवादी पार्टी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी पराजय हुई है, जो उनको जख्म लगा है, वह जख्म वो भुला नहीं पा रहे। प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होता जा रहा है, उनका वोट बैंक खिसक गया है। मैं श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के जो बचे खुचे सांसद विधायक हैं, कहूंगा अपनी पार्टी संभालो और संभल का माहौल या उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश मत करो। और जिस प्रकार से संभल की घटना घटित हुई है, वह कोई दंगे की जैसी स्थिति नहीं, वो समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा जो वर्चस्व की जंग है कि मेरा वर्चस्व ज्यादा है कि तेरा वर्चस्व ज्यादा है, वह वर्चस्व की लड़ाई है जिसके कारण से संभल में ये घटना घटित हुई है। वर्षा, माय कलीग स्टिल विद अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। वर्षा, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि ये वर्चस्व की लड़ाई है, इसमें सियासत अब घुस गई है, इसमें राजनीति अब घुस गई है। लगता है कि इन कारणों की वजह से एक फेयर ट्रायल जो है, जो फेयर इन्वेस्टिगेशन है, जो तहकीकात है, उसमें खलल ना आए, ये एक प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ने ये बताया कि वर्चस्व की लड़ाई है, यही मुद्दा बहुत पहले से चल रहा था। संभल में जिस तरीके से पूरा विवाद हुआ, जिस तरीके से हिंसा हुई, इसमें एक वर्चस्व की लड़ाई का पूरा एंगल देखने को मिला, जिसकी वजह से जब FIR भी नोट डाउन हुई तो उस पर समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक का नाम मेंशन था, जिसपे साफ तरीके से उस पूरे FIR में लिखा था कि समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद के वर्चस्व की लड़ाई के बीच में ये पूरी जो प्रक्रिया थी, जो हिंसा थी, उसको भड़काया गया। हिंसा भड़काने के बाद ये सारी चीजें हुई, उसी चीज को लेकर मुख्यमंत्री ने भी बोला। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार वार प्रतिवार कर रहे हैं, माता प्रसाद पांडे ने भी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि ये जो जितना भी मुद्दा था ये बीजेपी की वजह से हुआ है, क्योंकि बीजेपी प्रशासन में पुलिस को इतना ज्यादा अहम मुद्दा दे देती है, इतना ज्यादा आगे कर देती है कि पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं पाता। जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे ने देखिए दो लेटर दिखाए हमें, एक लेटर जिसमें जिलाधिकारी का पूरे तरीके से लिखा हुआ था लेटर में कि माता प्रसाद पांडे या 15 लोग जो डेलीगेशन के हैं, ये लोग संभल की जो सीमा है उसके अंदर नहीं आ सकते। लेकिन SP का एक लेटर था जिसमें साफ तरीके से लिखा था कि माता प्रसाद पांडे को और सभी 15 लोगों को लखनऊ में उसी जगह पर रोका जाए और हाउस अरेस्ट किया जाए। तो दोनों तरीके से उन्होंने वार प्रतिवार करते हुए ये साफ कहा कि SP ने कहीं ना कहीं जिला अधिकारी के मुद्दे को माना नहीं है, जिला अधिकारी के बात को नहीं माना है, जिसकी वजह से ये लड़ाई चल रही है और प्रशासन और पुलिस की जो नाकामयाबियां हैं उसको छुपाने का कार्य बीजेपी कर रही है। और जिस तरीके से संबंध में इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके से हिंसा हुई है, उसमें कुछ ना कुछ तो छुपाया जा रहा है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन जा नहीं पा रहा है संबंध, लोगों से मुलाकात नहीं कर पा रहा है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो ऐलान किया है 5 लाख देने का, उसको लेकर भी एक नया डेलीगेशन बनाया जाएगा जो वहां जाएगा, लोगों से मिलकर वो पैसे उनको देगा, मृतक के परिवार को देगा, उनसे मुलाकात करेगा। डेलीगेशन किस तरीके से बनाना है, जानकारी किस तरीके से, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मूविंग ऑन।